हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे रहे। आज मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है। और इसका नाम है साइटोल लिक्विड, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। और इसका जो कंपनी नाम है वो डोजन कंपनी का है, ठीक है। और ये आता है 100 ml का, आप सभी लोग देख सकते हो 100 ml। और इसका जो प्राइस आता है वो 68.21, ठीक है। आप लोग कोई भी रिटेल दुकान पर या ऑनलाइन पर भी आप लोग खरीद सकते हो, ठीक है। और आप लोग जो भी खाते हो डॉक्टर के सलाह के बाद ही लेना चाहिए, ठीक है। और ये बच्चे लोग भी खा सकते हैं और एडल्ट लोग भी खा सकते हैं, ठीक है। और बच्चे लोग के थोड़ा सा डोज कम है और एडल्ट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। जो भी बच्चे के लिए है, जो भी बच्चा मतलब टेन ईयर्स से पहले नहीं, ठीक है। जिसका भी पेशाब जला पड़ा रहता है, मतलब आप लोग पानी कम खाते हो, ठीक है। पानी कम खाने से क्या होता है, आप लोगों को प्राइवेट पार्ट है जो जिसमें भी पेशाब की नली है, उसमें क्या होता है, आप लोगों जो पाइप है उसमें पूरा जल नहीं आ जाता है, ठीक है। उस जलने में आप लोग इस सिरप को खा सकते हो, ठीक है। और उस जलने का मेन रीज़न है आप लोग पानी कम खाते हो, इसीलिए मेन जलने होता है, ठीक है। और किसी का भाई ऐसा होता है, किसी का बीमार है, उसके लिए भी पेशाब जलने में काम आएगी, ठीक है। और किसी का होता है पेशाब नहीं, ठीक तरह से नहीं होता है, पेशाब क्लियर नहीं होता है, जितना भी जल खाता है पेशाब क्लियर नहीं होता है, ठीक है, तब आप सभी लोग इस शराब को खा सकते हो। और बहुत ही बच्चे लोग क्या करते हैं, ज़्यादा जल पानी मतलब जो जल आता है वो नहीं खाता है, थोड़ा सा जल खाने से हो जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। और लोगों के लिए इस सिरप को आप लोग दे सकते हो, ठीक है। इस सिरप के खाने के बाद पूरा टोटली आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आधा बोतल खाने से काम हो जाएगा, ठीक है, इतना खाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और जो एडल्ट लोग होता है उसके लिए भी, महिला लोग ज़्यादा करके घर में रहते हैं लेकिन ठीक तरह से पानी नहीं खाता है, ठीक है, वो लोग ज़्यादा करके इस सिरप को खा सकते हैं। और जो एडल्ट लोग होते हैं, जो 50 सिक्सटी ईयर्स के बाद वो लोग भी बहुत पानी कम खाता है, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा चाय पीता है, ऐसा होता है, ठीक है। और चाय पीता है लेकिन पानी ठीक तरह से नहीं पीता है, उसके लिए भी मेन समस्या है, उसके भी प्राइवेट मार्ट में जितना आप लोग जल खाओगे इतना आप लोगों को और उस नली का आप लोग पूरा क्लियर रहेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जब जल कम खाओगे तब क्या होता है, उस जगह पर आप लोगों को थोड़ा सा कुछ भी इन्फेक्शन एक ऐसा हो जाता है, उस वजह से आप लोगों को पूरा जल निशा महसूस होता है, ठीक है, तब आप सभी लोग इस शराब को खा सकते हो, ठीक है। सारे ऐसे लोग होते हैं पेशाब नहीं निकलता है, थोड़ा सा निकलता है लेकिन पेशाब निकलता ही नहीं है, ठीक है, उस लोगों के लिए इस सिरप बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। और महिला हो या लड़का कोई भी इसमें भाग भी नहीं है, ठीक है, वो सभी लोग इस सिरप को खा सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग है क्या करते हैं, बाथरूम में जाता है लेकिन पेशाब ही नहीं निकलता है, थोड़ा सा निकल जाता है और पूरा जलनी हो जाता है, जलनी ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन पेशाब थोड़ा सा निकल जाता है, तो आप सभी लोग इस सिरप को खा सकते हो, ठीक है। और जब इसका खाने का डोसेस है आप लोग दिन में 2 टाइम से 3 टाइम तक आप लोग खा सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे लोगों के लिए है, जो 10 से 15 ईयर्स तक है, ये आधा चम्मच आप लोग एक गिलास पानी में आप लोग खा सकते हो, ठीक है, एक गिलास पानी में मिक्स करके खाना चाहिए, ठीक है। और जो एडल्ट लोग होता है वो आप लोग एक से दो चम्मच तक, जिसका ज़्यादा प्रॉब्लम है वो 2 चम्मच ले सकते हैं और जिसका कम प्रॉब्लम है वो 1 चम्मच ले सकते हैं, ठीक है। और एक गिलास पानी के साथ पूरा पी लेना है, ठीक है, वो दिन में 2 टाइम या 3 टाइम, जिसका ज़्यादा प्रॉब्लम है वो 3 टाइम ले सकते हैं या 4 टाइम भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं पीना है, 3 टाइम से हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को जिसका भी पेशाब की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेना चाहिए, ठीक है। और जो भी लोग लड़का लड़की बच्चा जिसके लिए भी हो पानी खाना चाहिए, ठीक है। जो आप लोग पानी आप लोग
रेगुलर ठीक तरह से खाएंगे तो अब इस तरह के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को पेट पर भी बहुत सुरक्षा रहेगा, ठीक है। इसके लिए भी कोई भी डॉक्टर के सलाह के कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग ठीक तरह से पानी खिलाना है और ज़्यादा करके आप लोग गर्म पानी खिलाना है, ठीक है। और इस सिरप में गर्म या ठंडा पानी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ठंडा पानी से हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को लिख दिया है 1 से 2 स्टेप चॉप, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और 5 ml से 10 ml तक जिसका ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ले सकते हैं, ठीक है। और ये विटामिन सी है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग आशा करता हूँ सभी इस वीडियो में सब कुछ समझ गए, ठीक है।